यहाँ इस मल कर ले आगे विषयी बाट। आज यह अवसर मिला है, आज अपने जीवन के लिए कुछ कमाई कर सकते हैं। फिर से यह अवसर मिले या ना मिले, आज हम संवार सकते हैं, आज अपना जीवन को बना सकते हैं। संबल उसे कहते हैं जो राह खर्चा हो। कोई आदमी काफ़ी दूर जाना हो उनको, तो काफ़ी दूर जाना हो तो रास्ते के लिए राह खर्चा रखता है और साथ में ले जाता है, संबल ले जाता है। कहीं ज़रूरत पड़े बीच में तो कम से कम हम कुछ प्रसाद ले ले, कुछ पेट की भूख को शांत कर ले, इसलिए कुछ राह खर्च ले जाता है। क्या हमने जीवन में भी कुछ संभल किया है? जब हमारी जर्जरता की अवस्था होगी, जब हमारे हाथ पांव नहीं चलेंगे, तब हमारे राह खर्चा के लिए हम धन इकट्ठा करते हैं। लेकिन क्या जब शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, तब उस समय एक सहारा चाहिए था, वो सिर्फ धन संपत्ति नहीं बल्कि मन की शांति चाहिए था। क्या उस मन के लिए भी कुछ काम किए हैं? जीवन में भी कुछ कमाई किए हैं? अध्यात्म की कमाई? यदि यह कमाई नहीं किए हैं तो हम खाट में पड़े पड़े पछताते रह जाएंगे और जो जीवन में प्राप्त करना चाहिए था वो फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज अवसर मिला है, आज जीवन को हम संवार सकते हैं। आज अवसर मिला है, आज हम जैसा जीवन चाहे वैसा जीवन जी सकते हैं। हम जिधर ले जाना चाहें अपने जीवन को उधर ले जा सकते हैं। हमको यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है और इस जीवन का निर्माण कैसे करना है यह हमारे हाथों में है। हम जैसा चाहे वैसा जीवन का निर्माण कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं सत्संग स्वाध्याय के लिए, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास में वो क्षमता ही नहीं, वो योग्यता ही नहीं, तो उनको सत्संग की बातें समझ में नहीं आती है। एक अंधा आदमी चाहे कि मैं संतों का दर्शन कर लूं, महापुरुषों का दर्शन कर लूं, वो आदमी नहीं कर सकता। एक बहरा आदमी चाहे कि मैं कुछ सत्संग प्रवचन ज्ञान भागवत कथा पुराण कुछ सुन लूं, तो नहीं सुन सकता क्योंकि उनके पास में योग्यता ही नहीं है। प्रकृति द्वारा उनको वह योग्यता नहीं मिली हुई है। एक पागल आदमी जो नहीं सुन सकता है, लेकिन जो आदमी तन से अच्छा है, मन से अच्छा है और अच्छे विचारों के साथ जीना चाहता है, वह जीवन का निर्माण कर सकता है, अपना जीवन ऊपर उठा सकता है। इसलिए हम जीवन को संवारे, संभल करते चले जाए। जब कोई आदमी असहाय पड़ा हो तो उनको सहारा की जरूरत होती है, लेकिन कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो जिसको ज्ञान ध्यान पसंद हो, जिनको एकांत पसंद हो, उनको कोई सहारा नहीं चाहिए, वह अपने में मस्त रहता है और वही अंतिम में काम आता है। इसलिए हम उस सहारा की ज़रूरत को समझें और अकेले में रहे तो वो संबल काम आए, ऐसे संबल को हम इकट्ठा करते चले जाए, जो हमारे लिए अकेलेपन का एहसास मत हो, उसमें हमको लगे कि हम अपने ज़िंदगी को एक सही ओर ले जा रहे हैं, सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं। यदि एक कमाई हमने जीवन में नहीं किया तो फिर हमारा जीवन निरर्थक चला जाएगा। हम आज सुंदर जीवन मिला है उसको व्यर्थ ही न गंवाएं। इसकी सार्थकता है, इस शरीर की चिता जलने से पहले इस शरीर के चिंताओं को जला दें,
शरीर की अर्थी निकलने से पहले शरीर से अर्थ निकाल ले, यही जीवन की सार्थकता है। लोग मान्यताओं में भटकते अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। लोग ये नहीं जान पाते हैं कि पूजा और पाठ किसकी करनी चाहिए, अर्चना किसकी करना चाहिए, ये नहीं जान पाते हैं। जीवन भर ढूंढते ढूंढते अपना बेशकीमती जीवन को बर्बाद कर देते हैं। परमात्मा और आत्मा के चक्कर में अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर देते हैं। नहीं जान पाते हैं कि असली परमात्मा असली आत्मा कहाँ है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जिसे तुम ढूंढते हो वह तो पास में ही है, कहाँ ढूंढ रहे हो? और हम ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते पूरा जीवन बीत जाएगा लेकिन बाहर मिलेगा नहीं, क्योंकि बाहर है ये नहीं, वो चीज मिलेगा कहाँ से? मिलता वही है जो होता है, और जो कुछ भी मिला है हमको वह बिछुड़ जाना है, ये भी प्रकृति का नियम है। जो कुछ भी मिला है हमको, परिवार, धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ एक दिन छूट जाना है। साथ में कुछ भी नहीं जाता है। साथ में जाता क्या है? आत्मज्ञान रूपी खजाना जाता है। साथ में जाता है संयम, धैर्य, शील। ये हम जीवन में जो जीते हैं, एक दूसरे के साथ वर्ताव करते हैं, वो चीज़ हमारे साथ जाता है। इसलिए असली पूजा आत्मा की पूजा, चेतन पूजा ही असली पूजा है। हम बाहरी पूजा में, बाहरी कर्मकांड में अपने समय और शक्ति को बर्बाद न करें, समय और शक्ति को बर्बाद न करें और सही दिशा की ओर आगे बढ़ते जाए। आदमी भ्रम और मान्यताओं में अपने समय और शक्ति को बर्बाद करते हैं। आज भी इस भारत एक ऐसा देश है जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है, जिस देश को धर्म प्रधान देश के नाम से उपाधि दी जाती है, और यहाँ धार्मिकों की कमी नहीं है। इस भारत देश में, यह भारत एक ऐसा देश है जो कि ऋषि पसूता देश है, ऋषियों मुनि शुरू से होते आए हैं। लेकिन इसी भारत देश में जितना चमत्कार, आडंबर, पाखंड चलता है, इतना अचमत्कार और पाखंड शायद ही इस दुनिया में और कहीं चलता होगा। जितने चमत्कार और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है, उतना गुमराह शायद और कोई देशों में नहीं होता होगा जितना इस भारत देश में चलता है। बीच आज दोपहर के प्रवचन में पूज्यवर साहब जी कह रहे थे कि जितना धार्मिकों ने धर्म को बर्बाद किया है, शायद उतना और किसी नहीं किया है। धार्मिक लोगों ने ही धर्म को झुठलाया है, धर्म की परिभाषा गलत बताए हैं। धर्म क्या है इस चीज को लोग सत्य को सामने लाए ही नहीं, क्योंकि यदि सत्य सामने आता है तो लोगों को अपना हल्कापन महसूस होता है। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है किसी महापुरुष की अलौकिकता, चमत्कार ये महापुरुषों की महानता नहीं है। किसी भी महापुरुष को हल्का साबित करना हो तो उसको चमत्कार और अलौकिकता में घसीटते चले जाइए, एक दिन वह महापुरुष हल्का हो जाता है। उनको गलत साबित करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चमत्कार होता ही नहीं है, कोई चमत्कार नाम का चीज ही नहीं है इस दुनिया में। लेकिन लोगों ने उसको भी सामने लाया, लोग उसको भी सामने लाए ताकि उसके आड़ पर अपना धंधा चलाए, अपना बिजनेस करे और एक व्यापार चलता रहा। और इसीलिए आज धार्मिकों का व्यापार सबसे बड़ा व्यापार हो गया है। बड़े बड़े मंच गद्दी में बैठते हैं, जिनके जीवन का, आचरण का कोई मतलब ही नहीं है, खान पीन का मतलब नहीं है, गांजा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, अंडा मांस मछली भी खा रहे हैं, और बड़े बड़े भगवताचार्य भी बने हुए हैं, इधर से पान भी खा रहे हैं, गुटखा भी खा रहे हैं, शराब भी पीते चले जा रहे हैं, और इधर भगवताचार्य भी बनते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये भीड़ है, ये धार्मिकों का भीड़। धार्मिक व्यक्ति मंच पर बैठकर जो कहता है लोगों को सत्य महसूस होता है, लेकिन सत्य वो है नहीं। सत्य को समझना चाहिए। दो और दो चार, चाहे एक बच्चा कहता हो चाहे बुजुर्ग कहता हो, बात सत्य है। लेकिन दो और दो पांच,
चाहे कितने बड़े ही व्यक्ति कहा, कितने बड़े ही व्यक्ति कहे, वह सत्य नहीं हो सकता है। लेकिन आदमी आंख मूंद करके मान लेते हैं। अभी एक कथावाचक हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा यदि आपके बच्चे का पेपर का समय आ रहा हो और बच्चे पेपर की एग्जाम की तैयारी नहीं किया हो तो बच्चे को कहो कि भगवान के पास जाकर के बेलपत्ती चढ़ा ले, भगवान की उपासना कर ले, आपके बच्चे पास हो जाएंगे। और अभी उनकी लंबी लिस्ट है, कथा बहुत चल रही है। ऐसे भी बहुत बड़े प्रवक्ता है, वो बहुत बड़े कथावाचक है, वो कहते हैं मात्र बेल पत्ते चढ़ाने मात्र से बच्चे परीक्षा में पास हो जाएंगे। क्या मजाल है, लोग अंधी दौड़, सत्य को जानना नहीं चाहते हैं। आदमी चाहता है कि मुक्ति ऐसे ही मिल जाए, मुक्ति उपासना के बल पर मिल जाए। मुक्ति कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई गुरु कोई संत बांटे। मुक्ति तो मन की अवस्था होती है, जो आदमी अपने मन को निर्मल करता है वो मुक्त अवस्था में जाता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं मन के लिए, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जो लोग परमात्मा के लिए दौड़ते हैं, भगवान के लिए पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, उनके लिए सद्गुरु कबीर साहेब एक टुक में एकदम सरल सी बातें कहते हैं, जाको मन निर्मल भया। कैसे निर्मल हो गया? जैसे गंगा नीर। जिस समय सद्गुरु कबीर साहेब हुए उस समय भी गंगा जी की प्रसिद्धि खूब रही है। जब गंगा जी की बात आती है तो मैं लोगों से कहा करता हूँ कि जिस समय सद्गुरु कबीर साहब हुए उस समय गंगा की प्रसिद्धि रही है और पूजा और पाठ चलता रहा है, और उस समय गंगा के पानी कहीं भी जाओ तो पवित्र साफ पानी दिखाई देता था। लोग स्नान करते थे, पूजा करते थे, लेकिन अब गंगा का पानी इतना अपवित्र हो गया है जो कहा जाए तो लगेगा क्या बोल रहे हैं। आपको बताऊं, मैं गंगा की पूजा, सबसे ज़्यादा पूजा गंगा जी की पूजा आपके प्रयागराज में होती है। प्रयागराज में करीब मुख्य स्नान के दिन अमावस्या के दिन जनवरी में, मौनी अमावस्या के दिन करीब करीब 3 करोड़ लोग स्नान करते हैं। उनकी श्रद्धा है, करे। लेकिन यदि गंगा नहाने से मुक्ति मिलती तो 3 करोड़ लोग हर साल मुक्त हो जाते, आज पूरा भारत ही मुक्त हो जाया होता। लोग आडंबर में पड़े रहते हैं। 3 करोड़ लोग मुक्त स्नान करते हैं और मुक्ति होती है कि नहीं होती है ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत की इस दुनिया से वही गंगा में अलविदा हो जाते हैं। बहुत लोग, इतनी भीड़ होती है और ना जाने कितने लोगों की जेबें कट जाती है, कितने के बच्चे गुम हो जाते हैं, कितने के कपड़े, कितने के बैग चप्पल गुम हो जाते हैं। ये मुक्ति पाने के लिए जाते हैं लेकिन बहुत कुछ खो डालते हैं। इसलिए प्रसिद्धि उस समय भी रही और उस समय प्रसिद्धि रही। आज हमारे प्रयागराज में जब गंगा जी जाती है तो प्रयागराज में सबसे पहले कानपुर होते हुए जाती है, और कानपुर होते हुए जाती है तो कानपुर के सारे चमड़े मिलके पानी गंगा में प्रवेश। जैसे ही आप कानपुर से निकलते हैं तो प्रयागराज में संगम से पहले पूरे इलाके प्रयागराज का सीवर लाइन का पानी, टट्टी पेशाब पूरा गंदगी भरा पानी पूरा गंगा में जाता है। पवित्र है गंगा? मान, आपकी मान्यता पवित्र हो सकती है लेकिन गंगा का पानी नहीं। लोग कहते हैं, कथावाचक कहते हैं कि गंगा जी के पानी को बस 2 घूंट पी लो, अमृत है वो, मुक्त हो जाओगे। अगर ऐसा होता तो गंगा से स्नान करके निकलते ही आदमी गुटखा छोड़ देता, तंबाकू छोड़ देता, बीड़ी या सिगरेट छोड़ देता, गाली गलौज छोड़ देता, निंदा चुगली छोड़ देता, आज हमारे भारत देश में एक भी केस नहीं चलता। लेकिन समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। जीवन को संवारना चाहिए तो जीवन को बिगाड़ने में लगा है आदमी, और धार्मिकों ने जितना बिगाड़ा है धर्म के नाम पर, मान्यताओं के नाम पर, देवी और देवता और पूजा और पाठ के नाम पर जितना गंदा किया है माहौल को, उतना और किसी ने नहीं किया है। हमारे गुरु से जुड़ो, हमारे मत और पंथ और संप्रदाय से जुड़ो, हमारे गुरु से मुक्ति है, इतनी सारी बात लोग कह देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं।
आप सभी से निवेदन है कि मुक्ति कोई पदार्थ नहीं है। यदि कोई कहते हैं कि हमको परमात्मा का दर्शन हुआ, हमको परमात्मा से मुलाकात हुई, हमारे गुरु से ही मुक्ति है, एकदम झूठ बात। इन झूठी बातों में अपने जीवन को, अपने जीवन के समय और शक्ति को आप बर्बाद मत करिए। सद्गुरु कबीर साहब इसलिए कहते हैं, ई भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। ये भ्रम और भूत में पूरे संसार के लोग जहड़ा गए, पूरे संसार के लोग इस भ्रम और भूत में, पूरे संसार के लोग इसमें खाए जा रहे हैं। इसलिए इन भ्रम और भूतों से बचो, मान्यताओं से बचो। आदमी इतना विश्वास, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं होता आदमी को, अपने जीवन के कर्मों पर विश्वास नहीं होता है। इतनी अच्छी पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, इतना अच्छा मकान बनाते हैं, इतना अच्छा भोजन बनाते हैं, इतना अच्छा परिवार चलाते हैं, इन सारे चीज़ों पर भरोसा नहीं है उनको। किस पर भरोसा होता है? जब आदमी मकान बनाता है तो पहले इंजीनियर से नक्शा बनवाता है, हर चीज़ में चेक करता है, मटेरियल सही डालता है, सही मजबूती के साथ पानी डालते हुए मकान को बनाता है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं होता है। आदमी को किस पर भरोसा होता है? जब मकान बन जाता है तो एक काली हंडी पर भरोसा होता है, इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है, छड़ और सीमेंट पर भरोसा नहीं है, अपने मेहनत पर भरोसा नहीं है। एक काली हंडी लगा देता है, उस पर भरोसा है। अब वो काली हंडी लगाने से मकान नहीं टूटेगा, मकान क्षतिग्रस्त नहीं होगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, पुराने टायर को लगा लेते हैं, अब मकान कुछ नहीं होगा। क्यों मान्यताओं में अपने को बर्बाद कर रहे हैं? आप कितने ही मजबूती से बनाए, एक न एक दिन मकान टूटेगा, लेकिन जब तक उसकी अवधि है तब तक वो मकान रहेगा मान्यताओं में। और इतना ही नहीं, ये पंडे और पुजारी लोग जब पूजा करते हैं तो बड़े बड़े मकान को तोड़वा देते हैं। नहीं, दिशा गलत है, किसी को हुआ आपके कुछ। अभी मैं रायपुर में एक जगह नया मकान, स्पेशल मकान है, उनके घर में बच्चे का तबीयत खराब हुआ, एक व्यक्ति को बुलाया जो बताता था, दिशा बताता था और कुछ बताता था, कहे आपका गड़बड़ हो गया है कुछ, तो क्या करना पड़ेगा। तो स्पेशल पूरे मकान में, 3 मंजिल मकान था, पूरे ग्रेनाइट बिछाया था, कहे ग्रेनाइट आप बिछाए हैं उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, बीच बीच में सीढ़ी तो किया क्या, पंडित ने बताया उसके हिसाब से सीढ़ी के ग्रेनाइट को काट काट करके वहाँ काला पत्थर लगाता चला गया, अब उनका समस्या का समाधान हो गया। मान्यताओं में आदमी अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, और इसका मूल कारण है सत्य के प्रति निष्ठा नहीं है, और बच्चों को सही सत्य नहीं बताया गया है, बच्चे को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए बच्चे सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आदमी को इंजीनियरिंग पे भरोसा नहीं हुआ, काली हंडी पर भरोसा हो गया, टायर पर भरोसा हो गया, अपने जीवन के कर्मों पर भरोसा नहीं है, अपने आप पर भरोसा नहीं है, अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है। तब किस पर भरोसा है? अपने बच्चे के पैर में काला धागा बांध दो, उस पर भरोसा है, काले धागे पर भरोसा है। अब काला धागा बच्चे के पैर में बंध गया, बच्चे को कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों मान्यताओं में आप अपने समय और शक्ति को बर्बाद करते हैं? जब आप काला धागा बांधते हैं तो आप काला धागा नहीं बांधते, बच्चे के मस्तिष्क को भी बांधते हैं आप, बच्चे को भी कमजोर करते हैं आप। आप बच्चे को कमजोर मत बनाइए, काले धागा बांध दिए, गले में काला धागा बांध दिए, पैर में काला धागा बांध दिए, हाथों में काला धागा बांध दिए, और ज्यादा कुछ होगा तो अंगूठी पहना दिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो आज हमारे भारत देश में न एक भी एक्सीडेंट होता, न एक भी अन्याचार होता, न अत्याचार होता, न इतनी आतिशबाजी होती, कुछ भी होता। ये भगवान के भरोसे, कोई भगवान नहीं कहे हैं कि मेरे भरोसे तुम बैठे रहो, ये तो सब पंडितों का जाल है, पंडितों ने पासा फेंका और मूर्ख लोग उसमें फंसते चले गए।
मूर्ख लोग उसमें फंसते चले गए, पंडित पासा फेंकते गए, अपना पैसा कमाने के लिए, अपना व्यापार चलाने के लिए अपना काम करते चले गए, और ना समझ लोग उसमें फंसते चले गए, उलझते चले गए। इसलिए आप उस चक्कर में मत पड़िए। जब आदमी गाड़ी लेता है, गाड़ी लेता है तो 30-30, 40-50, 60 लाख की गाड़ी लेता है, और जब उस गाड़ी का निर्माण किया जाता है तो उस गाड़ी को, पहली गाड़ी का निर्माण होने में कई करोड़ रुपया लगता है, उसका स्ट्रक्चर बनाने पहली गाड़ी में। लेकिन उस कई करोड़ की इंजीनियरिंग किया, बड़े बड़े इंजीनियर से पूछताछ किया जाता है, बहुत टेक्नोलॉजी से, कभी एक्सीडेंट हो तो कैसे ब्रेक लगेगा, कैसे आदमी गाड़ी पलटने पर भी बचने की संभावना हो, ये सारे चीज शोध किया जाता है उस पर। बहुत सारे शोध करने के बाद भी उस टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है, करोड़ों रुपये के गाड़ी के टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है। किस पर भरोसा होता है? गाड़ी के ड्राइवर अपने बगल में एक लाल चुनरी बांध लेता है, उस लाल चुनरी पर भरोसा होता है। गाड़ी के टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है, गाड़ी के इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है। कैसा जीवन का निर्माण कर पाएंगे आप? ये छोटी छोटी बातों से जीवन का निर्माण होता है, भ्रम और मान्यता से जीवन का निर्माण। बच्चे को कमजोर मत बनाइए। मैं बीच में कहा करता हूं, हर माँ बाप अपने बच्चे को कमजोर बनाते चले जा रहे हैं। एक जगह एक बच्चा देखता था अपनी माँ को रोज पूजा करते देखता था। उनकी माँ रोज पूजा करती थी, घंटों भगवान की पूजा करती थी। एक दिन बच्चे पूछ पड़ते हैं, माँ कौन है, आप किसकी पूजा करते हैं? माँ बोलती, बेटा ये भगवान है, और भगवान के पूजा करने से अशुभ नहीं होता है, भगवान को जो मांगो सब कुछ मिल जाता है, भगवान की पूजा इसलिए रोज करनी चाहिए। बच्चा तो बच्चा समझा सही हुआ, रोज माँ देखती और माँ पूजा करती थी, रोज बच्चा देखता था। एक दिन होता क्या है, बच्चा स्कूल से आता है और उसका उस दिन एग्जाम था। एग्जाम हॉल में एक प्रश्न आया था कि भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है। उन्होंने उत्तर में लिखा, भारत की राजधानी प्रयागराज। जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है, बहुत सारे प्रश्न रहे, लेकिन वह उत्तर गलत लिखा था कि भारत की राजधानी प्रयागराज है। एग्जाम हॉल से बाहर निकला, साथियों से पूछा कि भारत की राजधानी के उत्तर में तुमने कौन सा उत्तर डाला है, तो कहते हैं भारत की राजधानी दिल्ली है, तो मैंने दिल्ली लिखा। उनको लगा मैं तो गलत कर दिया। वो दौड़ करके आता है, रोज़ अपने माँ के पास जाता था, लेकिन उस दिन माँ के पास भोजन के लिए नहीं जाता है, वो भगवान के कक्षा में जाता है, और भगवान के कक्षा में जाकर के भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मैंने आज उत्तर गलत लिख दिया है, सही कर देना। इतनी में माँ उनकी आती है और माँ पूछती है, बेटा क्या बात है, तुम रोज स्कूल से आने के बाद मेरे पास भोजन के लिए आते थे, आज तुमको भूख नहीं लगी है? इतना में पूछते हैं, माँ यदि कोई गलती हो जाए तो भगवान ठीक कर देता है ना? माँ फिर से बोलती है, हाँ बेटा भगवान सब कुछ कर सकता है, भगवान सब कुछ कर सकता है। इतना में बच्चा कहता है, माँ आज मेरा एक प्रश्न आया था कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो मैंने भारत की राजधानी प्रयागराज डाल दिया है, और पता चला कि भारत की राजधानी दिल्ली है, भगवान से ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे गलत उत्तर को लिख करके सही कर दे, हो सकता है ना माँ? माँ बोलती है, बेटा संभव नहीं है। क्या आप बच्चे को कमज़ोर नहीं बना रहे हैं? क्या आप बच्चे को कमज़ोर नहीं बना रहे हैं? यदि धार्मिकों का काम, बड़े बड़े कथावाचकों का काम, आप कथा सुनते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो जिन्होंने अपने जीवन का खुद निर्माण नहीं किया, जिन्होंने अपने जीवन को नहीं तराशा, जो बुराइयों से ढका हुआ व्यक्ति है, वो दूसरों को क्या सही दिशा दे सकता है? जैसे ही कथावाचक बैठते हैं, बड़े बड़े कथावाचकों को देखा गया है, इधर पान खा रहा है, मुंह गलगला रहा है, लाल लाल थूके भी जा रहे हैं, उधर से कथा भी कहते चले जा रहे हैं, कौन सा जीवन का निर्माण करेंगे वो लोग? ऐसे ऐसे कथावाचक है जिनके कई कई केस चल रहे कोर्ट में, कई कई केस चल रहे हैं, क्या ऐसे लोग आपके जीवन का नैया पार कर देंगे? मंच में बैठने से पहले वही कथावाचक कहते हैं, तुम इतने लाख रुपया दोगे तब तुम्हारे यहां जाऊंगा, अन्यथा तुम्हारे यहां मैं नहीं जा सकता। क्या वो धार्मिक हो गए? जैसे ही
जो व्यक्ति सिर्फ पैसा को स्थान रखता है, पैसा को मुख्य स्थान रखता है, इसका मतलब पैसा नहीं चाहिए, नहीं, जीवन में धन की भी जरूरत है, लेकिन धन से कहीं ज्यादा जरूरत अध्यात्म की है, अध्यात्म की है। और वो आदमी, आप जैसे ही उनको इनवाइट करते हैं तो पहला वाक्य कहता है, मुझे तुम इतने लाख रुपया दोगे तब तुम्हारे यहां मैं कथा कह सकता हूं, अन्यथा कथा नहीं कह सकता। क्या ये लोग धार्मिक हो सकते हैं? ऐसे लोग धार्मिक नहीं है, एक व्यापार है, उन व्यापार में आप मत फंसिए। बच्चे को सही दिशा की ओर ले जाइए, बच्चे को सही पाठ सिखलाइए, बच्चे को सही पूजा और अर्चना के बारे में बताइए। मैं पहले दिन भी कहा था कि पूजा होनी चाहिए थी माँ बाप की, लेकिन पूजा होती है। आज लोग कहते हैं कि कबीरपंथी कुछ नहीं मानते। मैं लोगों से प्रश्न करता हूँ, कबीरपंथी क्या कैसे कुछ नहीं मानते? लोग कहते हैं कबीरपंथी भगवान नहीं मानते, और मैं कहता हूँ कबीरपंथी जितना भगवान मानते हैं शायद अन्य लोग उतना मानते हैं नहीं मानते, मुझे पता नहीं। कबीरपंथी ओरिजिनल भगवान मानते हैं। लोग कहते हैं कबीरपंथी भगवान नहीं मानते। मैं लोगों से पूछता हूँ, क्या माटी को माटी, गोबर को गोबर, माइक को माइक, गाड़ी को गाड़ी, घर को घर, परिवार को परिवार, कपड़ा को कपड़ा, माँ को माँ, पिता को पिता, पुत्र को पुत्र, कबीरपंथी नहीं कहते? लोग कहते हैं तो कबीरपंथी क्या ना मानते, भगवान नहीं मानते। भगवान किसको माने? तो कहते हैं ये कागज का फोटो है उसको। अब कागज के फोटो को कैसे भगवान मान लिए? चित्र हो सकता है, भगवान कैसे हो सकता है? एक पत्थर की मूर्ति को भगवान कैसे मान ले, वो भगवान कैसे हो सकता है? और जो असली भगवान है उसमें भगवान नजर नहीं आ रहा है, जो असली भगवान है उसमें भगवान नजर नहीं आ रहा है। इसलिए तो आज हमारे भारत देश में वृद्ध आश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या यही सफलता है? आज हमारे भारत, आपके ही इसी लखनऊ शहर में, लखनऊ में मात्र छोड़ दीजिए, आपके हाशियामऊ में जितने जगह आपके हाशियामऊ में मंदिर होंगे ना, उतना हॉस्पिटल नहीं है, उतना स्कूल नहीं है, इतना मंदिर है, किसकी पूजा करेंगे आप? क्या हॉस्पिटल, क्या मंदिर से जीवन का निर्माण नैया पार हो जाएगा? आपकी श्रद्धा है, भगवान मानते हैं, श्रद्धा दिल से प्रेम से मानिए, लेकिन याद रखे पूजा चित्र की नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है, पूजा चरित्र की होती है। हम किसकी पूजा कर रहे हैं? सिर्फ कि चित्र की पूजा करते चले जा रहे हैं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन सा विकास किया हमने? सब कुछ तो बर्बाद चला गया। आज भी इस विज्ञान के युग में, इस इतना अच्छे युग में भी आदमी सत्य को सत्य नहीं समझ पा रहे हैं, अंधे दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं, सत्य को जान नहीं पा रहे हैं। बच्चे को सही चीज सिखलाइए इसलिए, और बच्चे को सही संस्कार और शिक्षा दीजिए, बच्चे को सही और शिक्षा संस्कार दीजिए। जब जब आप इतनी मेहनत से अपना जीवन को संवारते हैं, सोचिए आज ये अवसर मिला है, कल अवसर मिलेगा? ये आज अवसर मिला है आप सभी को, बहुत से लोग हैं, मैं कल परसों कहा था इस बार कि बहुत से लोग हैं जो सत्संग सुनना चाहते लेकिन नहीं सुन सकते, बहुत से लोग हैं जो परमात्मा के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को परमात्मा मिला नहीं है, ना मिल भी नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा है ये नहीं तो मिलेगा कहाँ से। और यदि कोई कहता है परमात्मा मिला है तो झूठ बात है, परमात्मा अलग से बाहर नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा का ही पवित्रीकरण कर देने पर, फिल्टर कर देने पर, रिफाइंड कर देने पर परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। जैसे आज हम हैं वैसे ही बुद्ध हुए, कबीर हुए, ईसा हुए, मोहम्मद हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, लेकिन आज वो भगवान हो गए, महापुरुष हो गए, क्योंकि उन्होंने, उन लोगों ने अपने जीवन को संवारा है, जीवन को तराशा है। तराशने और संवारने का मतलब क्या होता है? अपना जीवन को, खुद को संवारना और तराशना। तराशना और संवारना मतलब उसकी शुद्धिकरण करते जाना, उनको सही रूप देते जाना, सही ढंग देते जाना, ये तराशने का तरीका है। आपने देखा होगा जब आप नल खोलते हैं, मोटर चलाते हैं तो कई हजार लीटर पानी ऐसे ही बहा देते हैं,
कई हजार लीटर पानी ऐसे ही बहा देते हैं, लेकिन वही पानी को आप एक मोटर के द्वारा या आप एक पंप के द्वारा उसको रिफाइंड करते हैं, और रिफाइंड करने के बाद में वही पानी को एक 20 लीटर के बोतल में भरते हैं, वही पानी का कीमत कैसे बढ़ जाता है, 50 रुपये में जाता है 20 लीटर। वही पानी को आपने फिर से रिफाइंड कर दिया, सही ढंग से रिफाइंड कर दिया, और रिफाइंड करके कहीं एक लीटर के बोतल पर डाल दिए, और एसआई मार्का का बोतल हो, सरकार से प्रमाणित बोतल हो, वही पानी आपको 20 रुपये लीटर पे मिलता है। पानी वही है, मार्का बदल दिए, रिफाइंड कर दिए, कीमत बढ़ गया। पानी वही है, पानी वही है, रेलवे स्टेशन में 20 रुपये लीटर पे मिलता है। वही पानी को आप जगह बदल देते हैं, तो जगह बदल देते हैं तो एयरपोर्ट पे ले जाते हैं, तो वही पानी आपको 50 रुपये लीटर पे मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने जीवन को संवारा, तो जीवन को संवारा तो एक गंदे आदमी के संग में थे, तो आप शराबी जुआड़ी कहलाते थे, एक नेता कहलाते थे, एक जज के साथ में रहे जज कहलाते थे, लेकिन अच्छे आदमी के संग करते करते आप अच्छे आदमी कहलाना शुरू कर दिए। कहीं रंग संग बदलते बदलते साधु का संग लग गया, साधु का संग लग गया और सज्जन के संग लग गया, तो आपको आप कहते हैं वो तो साधु आदमी है, आपका कीमत बढ़ गया, आपका कीमत बढ़ गया, वो तो लोग कहते हैं वो तो साधु आदमी है। और कहीं संग बदलते बदलते आज साधु का रंग चढ़ गया और साधु जीवन आचरण, आप घर परिवार भी बदल दिए, जगह भी बदल दिए, तो आपका कीमत कितना बढ़ गया। पहले आप लोगों के सामने झुकते थे, बड़े महापुरुषों संतों के चरणों में जाते थे, अब साधु का जीवन बदल, साधु का जीवन हो गया, आपका आचरण बदल गया, आपका जीने के तरीके बदल गए, आपके सोच बदल गए, आपके तजुर्बा बदल गए, आपका खाना पीना चलना बोलना हर चीज़ पूजनीय हो गया, अब आपका कीमत कितना हो गया, आपकी कीमत को अदा कर पाएंगे। एक आदमी है जो 100 करोड़ का गहना पहना हो तो आदमी का दिल आंखें उसमें चुभती है, 100 करोड़ की गहने, आपको आश्चर्य लग रहा होगा 100 करोड़ की गहने। अभी 3 साल पहले एक अरबपति आदमी की बिटिया की शादी हुई थी, तो 40 करोड़ की एक साड़ी पहनी थी, 40 करोड़ की एक साड़ी पहनी थी, 100 करोड़ के गहना होता ही क्या है, 100 करोड़ के गहने कोई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वह 100 करोड़ के गहने पहने हुए व्यक्ति यदि आप देखेंगे तो आपके आंखें चुभेगी, 100 करोड़ के गहने, लेकिन कुछ देर बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन कोई आदमी हो, मात्र 100 रुपये के कपड़े पहने हो, आचरण पवित्र हो, रहनी पवित्र हो, साधुता जीवन हो, आपके दिल और दिमाग में ठस जाएगी बातें, वो तो साधु है, उनकी बोलना, उनका चलना, उनका खाना, उनका पीना, उनका हर तरीका बदल जाता है। इसलिए यदि आप जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, अपने ओर देखना शुरू कर देते हैं, अपने जीवन को तराशना शुरू कर देते हैं, तो पानी की कीमत बढ़ता है, वैसे ही आपका कीमत बढ़ता चला जाता है, आपका कीमत बढ़ता चला जाता है। जब हीरा को नहीं तराशा जाता है, हीरा कच्चा हीरा हो तो कच्चा हीरा का कीमत मात्र 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया हो, वही हीरे को तराश दिया जाता है तो करीब करीब वही हीरे 6-7 लाख रुपये में जाता है, हीरा को तराश दिया जाता है। जब ये लोहे खदान से निकलता है तो कच्चा लोहा होता है, और कच्चा लोहा का रेट बहुत कम होता है, वही लोहे को तराश दिया जाता है, वही लोहे को गर्म करके पिघला करके आकार दिया जाता है, वही लोहे का कीमत कितना बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है। क्या आपने वैसे जीवन को रिफाइंड किया है? जब हमारे भारत देश में अरब देशों से, अन्य देशों से तेल आता है तो बॉयलर में आता है वही तेल, जब पेट्रोलियम के रूप में आता है, पेट्रोल रिफाइंड कर दिया जाता है, तो आपके इस भारत देश में 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल बिकता है। इसका मतलब ये कहानी किस्सा नहीं, जीवन को तराशिए, आप जीवन को सही ओर ले जाइए। आज अवसर मिला है, आज हम जीवन को संवार सकते हैं, आज अवसर मिला है माता पिता की सेवा कर सकते हैं, आज अवसर मिला है बच्चों को आप अच्छा संस्कार दे सकते हैं। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूँ, आप बच्चों को सिर्फ गाड़ी मोबाइल कार बस मत दीजिए,
बच्चों को गाड़ी मोबाइल कार बस देंगे, दो दिन चार दिन मुस्कुराएंगे हंसेंगे, और नहीं देंगे तो दो दिन चार दिन रोएंगे, और संस्कार नहीं दिए तो जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे, आपको भी रुलाएंगे। क्या दिया है आपने बच्चों को, क्या दिया है आपने बच्चों को? सिर्फ दुनिया का भौतिक पदार्थ देते गए और अध्यात्म की परिभाषा नहीं बताए, सिर्फ भौतिक पदार्थों का बंडल इकट्ठा करते जाए चले गए, और जीवन में जो कमाई होना चाहिए था वो नहीं कमाया। यदि सही ढंग से जीना सीख जाए कोई आदमी, अपने ओर लौट करके देखना शुरू कर दे तो आदमी का चलने का अंदाज बदल जाता है, उनके बोलने के अंदाज बदल जाते हैं, उनके बोलने में मिठास शुरू हो जाती है, उनके चलने पर संयम, खाने पे संयम, बोलने पर संयम, देखने पर संयम, एक दूसरे का आदर भाव और सम्मान ओत प्रोत रहता है वो आदमी, कभी किसी के प्रति शिकायत नहीं होती है। शिकायत भरी जिंदगी अच्छी नहीं होती है। माताओं से, बुजुर्गों से, सभी से निवेदन है, कभी किसी के शिकायत मत किया करो। बुढ़ापा में यदि अच्छा जीवन जीना चाहते हो, अच्छा प्रेम और आनंद से जीना चाहते हो, तो सबसे बड़ी चीज़ है मीठा बोलना सीख जाओ, मीठा बोलना सीख जाओ, शिकायत करना छोड़ दो, बहू के बेटों की शिकायत करना छोड़ दो। यदि आप कहीं गली में, कहीं पड़ोसी के पास, किसी रिश्तेदार के पास यदि आप बहू का, बेटे का शिकायत करते हैं, वो बातें कहीं ना कहीं से घूम करके आपके बेटे के, बहू के कान में जाती है। आपके प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है ना, वो भी श्रद्धा खत्म हो जाती है जब आप बोलते हैं बेटी थोड़ा से मुझे गर्म पानी दे दो, तो फ्रिज से पानी निकाल करके देगा, फिर लो बुढ़िया पियो गर्म पानी है बेटी, आप पूछते हो, वो कहती है हाँ पियो तो पहले। आपके प्रति जो श्रद्धा है वो भी खत्म हो जाती है। क्यों? आप अपने जीवन को गलत ओर ले जाते हैं। आप, मैं लोगों से कहता हूं, आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है। जिस दिन एहसास हो जाए कि आपके बहू को आप, जिस दिन एहसास हो जाए कि आपकी बहू भी आपकी बेटी है, उस दिन आप मानो सच में माँ हो जाती है, सच में माँ हो जाती है। नीति सिर्फ एक सासू माँ के दायरा तक बंधे रहती है। आप सिर्फ सासू माँ मत बनिए, आप माँ बनिए। और बहनों से निवेदन है कि सिर्फ आप बहू बन के मत रहिए किसी के घर में, किसी के परिवार में। आप उस घर के सदस्य बन चुके हैं, इस घर के बहू बन चुके हैं, उस घर के मालकिन होती है। आप उस घर के बेटी की तरह जिए। आप माँ को, पिता को, सास को, ससुर को, देरान को, जेठान को, सभी को इतना सम्मान दीजिए। मैं कल भी कहा था कि सेवा से आप सबका दिल जीत सकते हैं, आप सबका दिल जीत सकते हैं। आप अपने इस घर को उजागर कर सकते हैं, आप अपने इस परिवार को सही ओर ले जा सकते हैं, सही दिशा में ले जा सकते हैं। मान्यताओं को, मान्यताओं में न भटके वह सीख दे सकते हैं, और आगे भी जिस पीढ़ी में मैं आप देखे होंगे, तीन बार अवसर मिलता है, तीन बार बहनों को तीन बार अवसर मिलता है। पहली बार अवसर मिलता है जब वो बच्ची किसी के कोख में पैदा होती है, तब वह घर की पहला जन्म है उसका, पहला जन्म, पहला जन्म है जब वह किसी के घर में पैदा होती है, तब पहला जन्म है। दूसरा उसका जन्म होता है जब वह की कोई जगह जाती है, कोई ससुराल में जाती है, शादी हो करके जाती है, तब उसका दूसरा जन्म है। और तीसरा जन्म है उनका जब वही बच्चे के कोख से जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसका तीसरा जन्म है। तीन बार अवसर मिलता है आप लोगों को, तीन बार कुल को उजागर करने का अवसर मिलता है। पहले अपने जिस माँ के घर में पैदा हुए, उस घर के नक्शे बदल देते हैं आप, आपका चिंतन सही होता है। तो इसके लिए क्या जरूरत है? टॉनिक की जरूरत है। लेकिन कौन से टॉनिक? सत्संग रूपी टॉनिक। सत्संग एक ऐसा शीतल फौहारा है जो तपते हुए मन को शांत करता है। सत्संग एक ऐसा शीतल फौहारा है जो आपस में द्वेष और पीड़ा रहित जिंदगी बनाने, निर्माण करने का काम करता है। सत्संग ही एक ऐसा शीतल फौहारा है, तपते मन को, जलते मन को शांत कर देता है। जब आदमी किसी भी मन से उद्वेगित होता है, किसी भी बातों से उद्वेगित होता है, तो सत्संग में जा करके अपने मन को पवित्र कर सकता है। सत्संग ही एक सही दिशा है। भारत देश के पास आदमी को बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे इंजीनियरिंग है, बहुत सारे निर्माण का केंद्र है, लेकिन इंसान को इंसान बनाया जाए ऐसा कोई टेक्नोलॉजी भारत देश के पास नहीं है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। डॉक्टर के पास ऐसा कोई दवाई नहीं है, सारे रोगों का दवाई आ चुका है इस दुनिया में, लेकिन ऐसा कोई दवाई नहीं है जो दवाई खा लो और मन को जैसा कहो वैसा करना शुरू कर दें।
एक दवाई खा लो, डॉक्टर कोई दवाई दे दे और जलते मन शांत हो जाए, ऐसा कोई दवाई नहीं है डॉक्टर के पास। कौन सा दवाई है? ये सत्संग रूपी दवाई है। बीच में कहा मैं कि वृद्ध अवस्था में बोलना संयम पर बोलना सीखिए, संयम रहना चाहिए आपके, बोलना सीखिए। यदि आप वृद्ध अवस्था में सफल जीवन चाहते हैं तो अभी से संयमित जीवन जीना शुरू कर दीजिए, कम बोलना शुरू कर दीजिए, मीठा बोलना शुरू कर दीजिए, ये आपके लिए काम आएंगे। नहीं तो आप अपने ही बच्चे के दुश्मन होते चले जाएंगे, आपके ही बच्चे, आपके ही नाते पोते आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे, आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। यदि कटु और तीखे वचन आपने बोला तो आपके बहू, आपके बेटे, आपके नाती, आपके पोते आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे। फिर नफरत भरी जिंदगी अच्छी नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। माताओं से, बहनों से निवेदन है कि वृद्ध अवस्था में सफल जीवन चाहते हैं तो माँ बाप का सम्मान किया करें। कम से कम साल में आप भगवान की पूजा दो चार बार कर लेते होंगे, मुख्य त्योहारों में कम से कम असली भगवान की भी पूजा कर लिया करें, असली भगवान की भी पूजा कर लिया करें। जब वृद्ध अवस्था होती है, जर्जरता की अवस्था होती है, तो जर्जरता की अवस्था में माता पिता को आपका धन नहीं चाहिए, आपका मकान नहीं चाहिए, आपके गाड़ी नहीं चाहिए, आपके दौलत नहीं चाहिए। माता पिता को वृद्ध अवस्था में आपका प्यार चाहिए, आपका सम्मान चाहिए। बस आप खेत से, कल्याण से, ड्यूटी से, कहीं से भी आते हैं, आप आकर के माता पिता के पास बैठ जाते हैं, तबीयत पूछ लेते हैं, मीठी वाणी का प्रयोग कर देते हैं, माँ का, माता और पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। कभी कभी साल में दो बार तीन बार माता पिता को आप हार अर्पित कर लेते हैं, गले में हार चढ़ा देते हैं, आरती उतार लेते हैं, तो माता पिता को जीने का संबल मिल जाता है बुढ़ापे में, उनके चेहरे पर मुस्कान बढ़ जाती है, माता पिता को सहारा मिल जाता है। आज भी मेरे बच्चे मेरे अपने हैं, मेरे बच्चे मेरे अपने, क्या ये संस्कार आपने बच्चों को दिया है? नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आपने वो सिखाया ही नहीं है, आप वो माता पिता से करते ही नहीं हैं। जब आप अपने माता पिता से वो चीज़ नहीं करते, फिर अपने बच्चों से वो आशा मत रखना आप कि आपके बच्चे आपको सम्मान दे सके, आपके बच्चे आपको सम्मान दे सके सही दिशा में, मान्यताओं में। आज जब आदमी मान्यताओं में मत, मैंने शुरू किया था बात कि मान्यताओं में मत बंधे। कोई पंडे आते हैं, पुजारी आते हैं, आपके घर में आते हैं, आप हाथ दिखाते हैं, कहते हैं आपके घर में ऐसे ऐसे घटना होने वाली है, आपके घर में ऐसे ऐसे अनहोनी होने वाली है, माताएं सब कुछ बॉक्ड और सब कुछ सोच देते हैं पंडे पुजारी के सामने। कभी इन चक्कर में मत पड़ना। यदि आपका कर्म अच्छा है तो धर्म आपकी दासी है, यदि आपका कर्म खराब है तो गले में यम के फांसी है। इतनी बात आप याद रखे रहिए। आप जीवन को सुंदर बनाइए, जीवन को संवारते जाइए। यदि आपने जीवन में अच्छा कमाई किया है, माता पिता को सम्मान दिया है, तो आपका जीवन निश्चित ही सफल होगा, निश्चित ही सफल होगा। आपका घर बनता है। मैंने बीच में कहा कि पहला जन्म होता है, आप जब घर में पैदा होती है तो घर के माहौल को बदलती है, माँ बाप को चलना सिखाते हैं, भैया है, भाभी है, भैया है, भाभी है, घर के सदी सभी लोगों को कैसा बोलना है, बहुत लहजे सिखाते हैं आप, पहला जन्म आपका। दूसरा जन्म है जब आप किसी के घर में बहू बन के जाती है, तो बहू बन के जाती है तो उस घर का माहौल ठीक नहीं है, उस घर के लोग कड़वे और तीते बोलते हैं एक दूसरे में, लड़ाइयाँ हो जाती है, उस घर में अच्छे चीज़ों का खान पियन नहीं होता है, उस घर में गंदे चीज़ खाए जाते हैं, अंडा मांस मछली शराब ये सब चीज़ चलता है। आप लोगों को प्रेम से बोल करके उस घर के माहौल को बदल सकते हैं, उस घर को स्वर्ग बना सकते हैं। दूसरा अवसर, तीसरा अवसर, जब आप खुद संस्कारी हैं तो आपके कोख से जो बच्चा पैदा होंगे निश्चित ही संस्कारी होंगे। किसी ने कहा बच्चों को संस्कार कब से देना चाहिए, उत्तरदाता ने कहा बच्चे को संस्कार बच्चे के पैदा होने से 20 साल पहले से देना चाहिए। 20 साल पहले से बच्चा को कैसे संस्कार दिया जाए जब वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है? जैसा आप बच्चा चाहते हैं वैसा ही संस्कार उन बच्चों को देना शुरू कर दीजिए, जिस बच्चे के कोख से वैसा बच्चा पैदा होगा वैसा संस्कार देना शुरू कर दीजिए, तो निश्चित ही आपका जीवन सुंदर होगा। आप घर के माहौल को ढालिए, आप अपने घर में सास और बहू के बीच में, आज पूरे भारत में सास और बहू के बीच में माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए ना, लेकिन माँ और बेटी का रिश्ता बहुत ही कम होता है, सास और बहू के बीच में सांप और नेवला का रिश्ता चलता है।
एक दूसरे को कांटे जा रहे हैं, एक दूसरे को डसे जा रहे हैं। एकमात्र बेटा होता है और एकमात्र बेटा होने पर भी बहू अलग भोजन बना रही है, सासू माँ अलग भोजन बना रही है, दोनों को अलग अलग भोजन चल रहा है। कैसा जीवन होगा, कैसा जीवन होगा? आप कल्पना करके देखिए, जब बुढ़ापे की अवस्था होगी और बुढ़ापे की अवस्था होगी उसके बाद जब आपके ही बहू बेटे, आपके ही बहू बेटे आपसे अलग हो जाए, आपको सम्मान न दे, आपसे प्यार से बात न करे, कैसे लगेगा आपका जीवन? बुढ़ापे अवस्था में आप जर्जरता की अवस्था होगी, जो आपकी अवस्था 80 साल की होगी ना, वो घट करके 60 साल हो जाएगी, 60 साल हो जाएगी। नहीं है कुछ, इसलिए आप सभी से एक घटना बताऊं, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूं। एक जगह मां और बेटी आपस में रहते थे। आप लोगों से निवेदन है कि सम्मान माँ और बेटी में, सास और बहू में इतना अच्छा वार्ता हो कि आपके घर में बच्चे पैदा होना वो निश्चित ही संस्कारी होंगे। दोनों के बीच में वार्ता इतना अच्छा हो, मान्यताओं में आप मत बैठे रहें, सही संस्कार बच्चे को देते जाइए। माँ और बेटी, सास और बहू दोनों एक जगह रहती थी। जब सासू माँ की वृद्ध अवस्था है, जर्जरता की अवस्था, करीब करीब सासू माँ की, उसकी सासू माँ की करीब करीब 80 साल की अवस्था रही होगी। 80 साल की अवस्था में शरीर सीकन सा हो जाता है, शरीर में मजबूती नहीं रह जाती है, चमड़ी सीकन सा, शरीर मुलायम सा। एक संत रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते से गुजरते हुए देखे कि माँ एकदम जर्जर अवस्था में है, उसको एक बेटी बड़े प्यार से नहला रही है। संत पूछते हैं, बेटी क्या तुम्हारी ये माँ है बड़े प्यार से नहला रही हो? वो बेटी बोलती है, महाराज जी मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ से बढ़कर के रिश्ता है, मेरी माँ से बढ़कर के रिश्ता है। वो संत को रहा नहीं गया, पुनः पूछता है संत, क्या तुम्हारी सासू माँ है? वो बहन बोलती है, नहीं महाराज जी मेरी सासू माँ भी नहीं है, उससे बढ़कर के रिश्ता है। वो आदमी को रहा नहीं गया, माँ और सासू माँ से बढ़कर के रिश्ता क्या हो सकता है? वो पुनः पूछता है, आखिर तुम्हारी माँ नहीं ना तुम्हारी सासू माँ नहीं, आखिर है तो कौन है? वो बहन बोलती है, महाराज जी ये वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है। उसके अंदर भावनाएं कितनी है, महाराज जी वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है, जिसके बदौलत आज मैं इस घर में टिकी हुई हूँ, जिसके बदौलत आज मेरे माथे पे सिंदूर सवार है। क्या इतना प्रेम हो जाने के बाद आपके माँ से आप नफरत करोगे? क्या आपके माँ को अधिकार नहीं है कि आपके माँ कभी आपको कटु वचन बोल दे? क्या आपके माँ को इतना भी अधिकार नहीं, जिन्होंने अपने जीवन के एक एक पाई पाई को जोड़ा, एक एक पाई को जोड़ा और सब कुछ आपको सौंप दिया, क्या कभी कटु वचन बोल दिए तो इतनी सहने की क्षमता आप में नहीं है? क्षमता बढ़ाइए, आप एक बहू बनिए। और माताओं से निवेदन है कि उस बहू को आप इतना बेटी की तरह प्यार दीजिए। आपकी बहू आपकी बहू ही ना रहे, आपकी बहू नहीं बल्कि वो की इतना बड़ा त्याग किया है, जो हमेशा साथ में अंग संग रही, माँ के साथ, पिता के साथ में, भाई के साथ में, बहन के साथ में अंग संग रही 25 साल तक एक जगह रहने वाली माँ, एक जगह रहने वाली बेटी, सब कुछ त्याग करके आपके घर में आपके बेटे के लिए समर्पित होकर के आ जाती है, क्या आप उनको तीते और कड़वे वचन दे करके घर को सुंदर बनाएंगे? आप सोचिए। इसलिए मान्यताओं में अपने जीवन को न अटकाए, सही दिशा की ओर ले जाए। सद्गुरु कबीर ने कहा, ई भ्रम भूत सकल जग खाया। भ्रम और भूत में, भ्रम और भूत होते ही नहीं है, भूत होते ही नहीं है, भूत प्रेत होते नहीं है, कभी इस चक्कर में मत पड़िए आप। बिल्ली काटने से आप मत डरिए, बिल्ली रास्ता काटने से। हम तो हजारों, हमेशा हम लोग यात्रा करते रहते हैं, ना जाने कितने बार बिल्ली रास्ता काटे, कोई कुछ होता ही नहीं है। लेकिन होता तब है जब आपके अंदर जो मान्यता ठस जाती है कि अब तो कुछ होने वाला है, अब तो कुछ होने वाला, निश्चित ही कुछ होगा, क्योंकि आपका मन कमजोर हो जाता है,
मन कमजोर हो जाता है। आप भगवान की, जिस भगवान की पूजा करते हैं पूजा करिए, आपकी श्रद्धा है, लेकिन आप निश्चित ही पहले प्राइमरी स्थान दीजिए अपने माता पिता को। पहले आप माता पिता की घर में पूजा कर लिया करें। जिस घर में माता पिता की पूजा होती है वह घर मानो स्वर्ग समान है। जिस घर में बड़ों को सम्मान दिया जाता है मानो वह घर स्वर्ग समान है। जिस घर में देरान और जेठान में, भाई और भाई में एक साथ मिल करके भोजन होता हो, दोपहर का भोजन, मानो उस घर में रोज होली का त्यौहार है, रोज होली का त्यौहार है। अभी होली का त्यौहार गया है ना। और जिस घर में रात्रि के समय सभी ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से, खलिहान से आने के बाद में सभी के सभी एक साथ मिल करके एक दीप प्रज्वलित कर लिया जाता हो और गुरु पाठ, गुरु वंदना कर लिया जाता हो, माता पिता की आरती उतार लिया जाता हो, मानो उस घर में रोज दीपावली का त्यौहार है। आप लोग साल में एक बार मनाते हैं ना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं नित अमावस नित संक्रांत, रोज अमावस्या है, रोज संक्रांति है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो जीवन भर होली और दीपावली नहीं मना पाते हैं, क्योंकि वैर से, द्वेष से कूदते रहते हैं। किसी के लिए गाल फुलाए हैं, उसके लिए शिकायत, उसके लिए शिकायत, शिकायत भरी जिंदगी अच्छी नहीं होती। इसलिए आप लोग सुंदर जीवन का निर्माण करिए। आप बच्चे को अच्छा शिक्षा, अच्छा शिक्षा और अच्छा संस्कार दीजिए। संतों के संग में जाइए, अच्छे विचारकों का आप YouTube पर विचार सुने। कथा और भागवत में ज़्यादा शक्ति और समय नहीं देना चाहिए। कथा और भागवत से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी कहानी जिसको आप जानते हैं, कम से कम कभी आप जीवन की कथा तो पढ़िए। आप वो भगवान की कथा, वो महापुरुष की कथा, इससे पढ़ते पढ़ते तो आप पूरा सब कुछ जान चुके हैं। अपने जीवन की कथा कब कहेंगे आप? अपने जीवन के बारे में आपको पता ही नहीं होगा तो जीवन का निर्माण कैसे करेंगे, जीवन को कैसे तराशेंगे? इसलिए जीवन को अपने जीवन को सुंदर सही दिशा ले जाइए और अपना निर्माण करिए। इसी से हम सबकी भलाई और इसी से परिवार में एक स्वर्ग का माहौल बन सकता है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।